हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हम डिफरेंस पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। इसमें आपको मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ड्स। तो सबसे पहले इनको शॉर्ट में लिखते हैं, या आपको अभी तक समझ आ गया होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस ऑफ द एक्शन, जो कि कौन परफॉर्म करता है भी, पूरा ही लिख देती हूँ, परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो हमें एक बताता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सेंस होता है उस बात का। और इसमें डजंट रिक्वायर, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बिना ही हमें उसका मीनिंग पता चल जाता है सेंटेंस का, कंप्लीट सेंस होता है उस सेंटेंस का विदाउट ऑब्जेक्ट ही। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम कि ये किस किस स्ट्रक्चर से लिखी जाती हैं। तो दे ऑकर इन सेंटेंसेस, दे, कैसी राइटिंग आती है ना कभी कभी इसमें, दे ऑकर इन सेंटेंसेस that कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एस वी सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ दी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट। ऐसे ही ये सब सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं, ये किस में आते हैं? ट्रांजिटिव में। ठीक है, और इंट्रांजिटिव का देखते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? एडजंक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब ये भी पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, चलिए इसी से स्केल से खींच लेते हैं लाइन। अ सेंटेंस डेट यूजेस आ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं, ये चेंज किस में हो सकते हैं? चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, और
इंट्रांजिटिव में क्या होता है, अ सेंटेंस डैट मेक्स यूज ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू फॉर्म द डजन चेंज. ओके into passive voice. ये चेंज नहीं होते हैं पैसिव वॉइस में. ओके नेक्स्ट लिखते हैं अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा होता है, कमेंट करिए जल्दी से. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताए थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों इसमें होता है. तो मैं बता देती हूँ, देखेंगे किस किस का सही है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा किसी पीपल की बात हो रही होगी, इंसानों की. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे किसी थिंग्स की बात हो रही होगी. ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं वर्ब्स फॉलोड बाय इसमें क्या फॉलो करते हैं. एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा. मैंने इसके डेफिनेशन भी लिखवा दी. स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चेंज इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. ये सब इसके स्ट्रक्चर हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा. और ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है. ये दोनों चीज़ें इसमें सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं इंट्रांसिटिव के. तो अभी थोड़ी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं. आप मुझे बताइए ना कमेंट कर करके आंसर. तो कुछ लिखते हैं यहाँ पे. एक्सरसाइज जैसे कि फर्स्ट लिखते हैं हम राज बोथ अ न्यू बाइसिकल. राज ने क्या खरीदा था, क्या खरीदा है, न्यू बाइसिकल. सब्जेक्ट बताइए. पहले हम इसको सेंटेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. ओके सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है. तो दिस इज अ ट्रांजिटिव. ऑब्जेक्ट क्यों लिख रही हूँ मैं, ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लेते हैं. हमें पहले सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा, वो कहना क्या चाह रहा है. आई स्टडीड इन कैलिफोर्निया. हु इज द सब्जेक्ट हियर, आई एम अ सब्जेक्ट. ओके वर्ब, पढ़ाई की बात हो रही है तो पढ़ना भी काम होता है. कहाँ पर, इन अ कैलिफोर्निया. तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड. जैसे कि क्या लिखें, जैसे राजश्री लव्ड हिज, नहीं राजश्री तो एक लड़की का नाम हो गया, हर लिखते हैं यहाँ पे. राजश्री लव्ड हर डॉग. उसके पास एक कुत्ता है, वो अपने डॉगी से बहुत प्यार करती है. ये सेंटेंस कह रहा है राजश्री लव्ड हर डॉग, अपने कुत्ते से प्यार करती है. तो हु इज़ द सब्जेक्ट हियर, राजश्री इज अ सब्जेक्ट. हु इज़ द डॉग, दूसरे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड वन क्या बच्चा, वर्ब. तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब. तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट.
एक एग्जांपल लेते हैं हम टू ऑब्जेक्ट्स का, तो जैसे कि फोर्थ हो जाएगा ना, फोर्थ एग्जांपल, ताकि आपको ये वाला भी क्लियर हो जाए। प्रिया टीचेस अस जर्मन, जर्मन लैंग्वेज का आजकल वैसे भी काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो प्रिया टीचेस अस जर्मन, हु इज़ द सब्जेक्ट हियर? प्रिया इज सब्जेक्ट। एंड इसमें ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, विच वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज हम इंसानों की बात हो रही है, एंड जर्मन इज अ लैंग्वेज, दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड वट इज द वर्ब हियर? टीच पढ़ाना, दिस इज अ वर्ब। तो दिस सेंटेंस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने छोटी सी एक्सरसाइज भी कर ली है कुछ इसके एग्जांपल्स लेकर। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का आज टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप ऑफ वर्ब पढ़ेंगे मॉडल पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।